हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप में अपने मैसेज, इमेज, पिक्चर्स वगैरह कैसे बैकअप बना सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो। चलिए दोस्तों, अक्सर हम अपने मैसेज, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो हम डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन वो कुछ ऐसी फ़ोन में दिक्कतें आ जाती हैं या फ़ोन गुम हो जाता है तो हमारे मैसेज डिलीट हो जाते हैं, जिससे कि हमें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हम व्हाट्सएप अपने मैसेज का बैकअप भी बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें अपने व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। एंड्रॉयड फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन किया, ओपन करने के बाद इसमें ऊपर की तरफ तीन बिंदु डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा, न्यू ग्रुप स्टेटस सारी चीज़ ऑप्शन होगा। इसमें हम सेटिंग को चूज़ कर लेंगे, सेटिंग में टैप करेंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे चैट्स में। चैट में जाने के बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है चैट बैकअप, तो चैट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये गूगल ड्राइव पे बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बैकअप पर बना सकते हैं। इसका कैसे बनाएंगे, हम अपने बैकअप ये बैकअप पर क्लिक कर देंगे तो बैकअप हमारा बन जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले हमें गूगल ड्राइव की सेटिंग को सेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बैकअप पर ये बैकअप गूगल ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो इसमें दे रखा है कि आप किस हिसाब से अपना बैकअप बनाना चाहते हैं, डेली का बैकअप, वीकली, मंथली या नेवर या कभी कभी, तो आप उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से बैकअप आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डेली सेलेक्ट किया हुआ, तो डेली सेलेक्ट करके हो गया। अब मेरा ये डेली अपने आप बैकअप ऑटोमेटिक बन जाया करेगा, जितने मैसेज होंगे, पिक्चर्स वगैरह। और नीचे दिया हुआ है अकाउंट्स, अकाउंट्स में आप अपना किस आईडी पे अपना बैकअप बनाना चाहते हैं, जैसे जो आपने आईडी बना रखी हो, डाल रखी होगी करंटली, तो पहले तो वही आपको शो करेगा डिफ़ॉल्ट जो भी आईडी है। और नहीं तो आप अपनी दूसरी आईडी को डालना चाहते हैं तो ऐड अकाउंट में जाके नीचे उसमें हम दूसरी आईडी भी अपनी ऐड कर सकते हैं कि जिस आईडी पे हमें अपना बैकअप चाहिए। तो ये हमने आईडी सेलेक्ट कर ली, ये आईडी हमारी सेलेक्ट हो गई। और अब हमें बैकअप किस इंटरनेट पर बनाना है बैकअप, वो हम चूज़ कर लेते हैं कि हमें सिर्फ वाईफाई पर अपना बैकअप बनाना है या सिर्फ सेलुलर नेटवर्क पर, या फिर दोनों पर कोई सा नेट चलता है उसमें बन जाए। लेकिन मैंने अब वाईफाई क्लिक किया हुआ है तो इसका मतलब मैं वाईफाई चलाऊंगा तो ही बैकअप बनेगा, सेलुलर नेटवर्क मेरा बैकअप नहीं बनेगा। तो मैं वाईफाई क्लिक कर देता हूँ। और कभी कभी कुछ वीडियोज़ भी हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारे बैकअप में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, मेमोरीज वगैरह, वीडियोज़ जो हमारी व्हाट्सएप पे आती हैं और जाती हैं, तो उसके लिए भी हम अपने वीडियो का बैकअप बना सकते हैं। उसके लिए नीचे दिया है इंक्लूड वीडियोज़, इंक्लूड वीडियो पर हम टैप करेंगे तो अब हम टैप करने के बाद अब हमारी वीडियो भी इसमें इंक्लूड हो गई है, जिसका बैकअप हमारा बन जाया करेगा, वीडियोज़ का भी। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैकअप बन जाएगा हमारा। आप चाहे फ़ोन फॉर्मेट हो या फ़ोन गुम हो जाए अपना अकाउंट, जैसे हम अब जैसे मान लो फ़ोन गुम हो जाता है तो हम दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर सेम अगर उसी आईडी से हम अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं, सेम जीमेल आईडी होगी, तो हमारा उससे ऑटोमेटिक वो रिस्टोर मांग लेगा, तो हम वहाँ से रिस्टोर कर लेंगे अपने पुराने चैट्स वगैरह, सारे हमारे बैकअप में रिस्टोर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, मुझे लगा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आगे आगे भी आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ आपके सामने ला सकूँ।